श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठम स्कंध छठा अध्याय। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। ततः प्राचेतसो शिक्न्या मनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं संजनयामास दुहित्रीः पितृवत्सलाः। दश धर्माय कायेन्दोर्द्विषट्तृणव दत्तवान् भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे ताख्याय चापराः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अशिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, ककुभ, जाम, विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। ककुभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों, किलों के अभिमानी देवता। जाम के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। मरुतवती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपनी अपनी मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम वसु के पुत्र 8 वश हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए।
ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत्तिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वे देव एवं साध्य गण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से तीन पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी सरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजय कपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायकादि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृषाश्व की पत्नी अर्ची से धूम्र केश या केश का जन्म हुआ और धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। तार्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभों, पतंगों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुण हुए। यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेक नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें 6 रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं आदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु और सरमा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीध,
आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई, क्रोधवशा के पुत्र हुए, सांप बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियां, और सुरसा से यातु धान राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए, उनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा संबर अरिष्ट हयग्रीव विभा वसु अयोमुख संकुशिरा स्वरभानु कपिल अरुण पुलोमा वृषपरवा एक चक्र अनुतापन धूम्रकेश विरूपाक्ष विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और विषपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन यजाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हयसिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयसिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पैलोम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्त की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके सनैश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तपती नाम की 1 कन्या उत्पन्न हुई। तपती ने संवरण को पति रूप में वरण किया। आर्यमा की पत्नी मातृका का आर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चरसणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान नहीं हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे।
तब से पूसा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से दो पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। हरि शरणम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।